हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको ब्लॉग टेक वाला यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को वर्डप्रेस पे देखा गया दो प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू वर्डप्रेस यूज़र है तो आप लोगों को इन दो प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते होंगे या फेस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है, सॉरी इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। और हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है 404 फाइल नॉट फाउंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम आता है, अगर आप लोग एज ए न्यू वर्डप्रेस यूज़र है तो सबसे पहले आप लोग जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप लोग डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेते हो, लेकिन जो है आप लोगों को जब भी साइट पे रिडायरेक्ट होते हो तो ऐसा कुछ जो है इरर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन प्रॉब्लम को जब भी फेस करते होंगे तो आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हो होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ। होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करने के बाद वो लोग बताते हैं कि आप लोगों का जो भी नेम सर्वर है वो आपने जहाँ से भी डोमेन लिया था उन डोमेन पे आप लोगों का जो है अटैच नहीं हो रहा है, यानी कि आईपी एड्रेस, नेम सर्वर और जो है सर्वर पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी आप लोग आईपी एड्रेस को यानी कि नेम सर्वर को, होस्टिंग नेम सर्वर को अगर आप लोग गोडरी से भी डोमेन बाय किया है तो उन दोनों के साथ जो जब भी अटैच करेंगे तब भी आप इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे या फेस करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली आईपी एड्रेस या नेम सर्वर का जो है ये प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के बाद जब भी वर्ड डैशबोर्ड को आप लोग एक्सेस कर लेते हो तो फिर उसके बाद विजिट साइट करने पर आप लोगों को ऐसा कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो फिर सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपने जिस भी साइट के अंदर आप लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड को चला रहे हैं उस साइट के साइट पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप क्रोम पे चला रहे हैं तो आप लोगों को जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद सिंपली फ्रेंड्स वन क्लिक पे आप लोगों को ये जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस। तो फ्रेंड्स, एडवांस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, बेसिक और एडवांस। तो फ्रेंड्स, आप लोग बेसिक भी कर सकते हैं और एडवांस भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर बेसिक करूँगा। बेसिक करने के बाद सिंपली ऑल टाइम यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अगर लास्ट आवर या लास्ट 24 आवर्स दे के रखा है तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोग ऑल टाइम कर लीजिए। ऑल टाइम करने के बाद ब्राउजर हिस्ट्री, कुकी एंड अदर साइट डाटा एंड कैट्स इमेज एंड फाइल्स को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर डाटा पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप लोग जो है अपनी साइट पे जाएंगे और साइट पे जाने के बाद आप लोग जब भी यहाँ पर यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे आपकी डैशबोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग जो है आईपी एड्रेस या नेम सर्वर पे कोई भी गड़बड़ नहीं है। आप लोग का जो भी कुकी है, कुकी को डिलीट करना पड़ेगा, कुकी कैच को आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन है यही है। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है 404 फाइल नॉट फाउंड। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को जाना होगा वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सिंपली आप लोग जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोगों को जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे अनदर, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करने को बोला है तो सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लिक करना है आप लोगों को सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद जनरल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को एक छोटा सा सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स करने के बाद आप लोग जो है इन प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे वर्डप्रेस एड्रेस पे जाने के बाद यूआरएल पे यहाँ पे HTTP या और साइट एड्रेस पे यूआरएल पे आप लोग को देखने को मिलेगा
एचटीटीपी क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दोनों आप लोगों को एचटीटीपी है, एचटीटीपी को आप लोगों को एचटीटीपीएस करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोडिंग करके किया हुआ है और यहाँ पे जो है मेरे को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को एचटीटीपीएस करना है। एचटीटीपीएस करने के बाद यहाँ पर डबल स्लैश के बाद www डॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सेम ही आप लोगों को नीचे भी आप लोगों को https डबल डॉट डबल स्लैश www लगा के जो है आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये करने के बाद जो है आप लोगों को 404 का जो है एरर आप लोगों को नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये भी प्रॉब्लम आने के बाद अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो आप लोगों को जाना होगा आपकी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों को आना है cpanel पे। cpanel पे आने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपको लिखना है php। php लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को देखने को मिलेगा php myadmin। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अपने जो है डाटाबेस पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग्स करना है। और ये सेटिंग्स करने के बाद जो है आप लोग 404 जो है एरर आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा जो डाटाबेस है वो ओपन कर लेता हूँ। तो फिर सिंपली आप अपने जो है डाटाबेस को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद सिंपली आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे WP लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्शन का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपनी साइट की जो भी URL है वो, अगर आप लोगों की वेबसाइट https पे नहीं है तो अगर आप लोगों को यहाँ पे https दिखा रहा है तो सिंपली इसको http करना है। अगर आप लोगों को जो है http से https करना है तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो है एडिट करके इसको https करना है। तो फ्रेंड्स सिंपली ये करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे http पे जाने के बाद यहाँ पर https करेंगे और यहाँ पे जो है www डॉट लगाकर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद गो के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये करने के बाद जो है आप लोगों का जो भी 404 एरर है वो शो नहीं होगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं ये सेटिंग्स नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी http पे ही मैं आपका जो वेबसाइट है वो चाहता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को साइट URL पे करने के बाद होम पे ही सेम सेटिंग्स करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद https और यहाँ पर www डॉट लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स यही दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जिसको आप लोग 404 और फाइल नॉट फाउंड ये जो दोनों एरर है इससे आप लोग जो है, आई होप ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को कहीं ना कहीं फेस करने को मिलेगा या आप लोग फेस कर रहे हो। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ 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 में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो फिर यहाँ पे मैं और एक बार बता दूँ कि मैं SEO की सीरीज लाने वाला था। तो यहाँ पे मैं SEO के ऊपर काम कर रहा हूँ, वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो पे मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है मुझे देखने को मिला तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो पे बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।